जमेंट इन जॉइंट डिसऑर्डर्स अः जॉइंट डिसऑर्डर्स मतलब हड्डियों से रिलेटेड जो हमारे आज के दौड़ धूप के जीवन में ये बहुत ही आम समस्याएं हैं अः uh, आर्थ्राइटिस अलग अलग तरह के जोड़ों के दर्द जोड़ होता क्या है अच्छा सबसे पहले जो, जो क्या कहते हैं विभिन्न तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब मुझे खैर बताने की जरूरत नहीं है और जो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं बॉडी में उम्र के साथ धीरे धीरे जो घिसावट शुरू हो जाती है साठ साल की उम्र से ऊपर अगर हम सबका डायग्नोस करके देखें तो कुछ कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस हरेक के भीतर पाई जाती हैं कुछ चेंजेस uh, जैसे है है इसमें जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स की सूजन आ जाती है और जो कुशंस होते हैं जिसे के कार्टिलेज बोलते हैं दो हड्डियों के बीच वो घिसने शुरू हो जाते हैं जिसके कारण जो है हड्डियां आपस में रगड़ खाकर इन्फ्लेमेशन और इस तरह से बहुत सारी और उठना बैठना बड़े लोगों को बहुत दिक्कत की प्रॉब्लम हो जाती है इसी तरह से जो मोस्ट कॉमन आजकल है वो सर्वाइकल uh, स्पॉन्डिलाइटिस है सर्वाइकल यानी कि हमारी रीढ़ में जो स्टेटिस होते हैं अपारे गर्दन से लेके और नीचे लोवर बैक तक और जो गर्दन में हमारे सात वर्टिब्राज होते हैं उनको सर्वाइकल वर्टिब्रा इसीलिए उनका नाम C1, C2, C3 इस तरह से दिया जाता है और जब ये वर्टीब्रास जो है हमारे को मूवमेंट प्रदान करते हैं उन एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा के बीच में जो कुशनिंग जो डिस्क होती है वो जब घिसती है धीरे धीरे जो एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा का जो स्पेस है जब कम हो जाता है तो हम सभी जानते कि हमारे स्पाइनल कॉर्न जो मेरुदंड है उसमें से सारी जो स्पाइनल लर्व है वो हमारी बॉडी के सारे फंक्शन कंट्रोल करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो जब हमारे ये स्पाइन में मेरुदंड में जो वर्टिब्राज है जब एक से दूसरे वर्टिब्रा के बीच में स्पेस कम होता है तो वहां से पास होने वाली नर्व्स हैं उन पर दबाव आ जाता है और वो नर्व जिस एरिया को कंट्रोल कर रही होती है वहां का फंक्शन जो है अफेक्ट हो जाता है इसी तरह से शैटिका नर्व है वो हमारे लंबर स्पॉन्डुलंबर एरिया से लेके हिप से होती हुई नीचे पैर के पीछे तक जाती है ये नव और जब उसके ऊपर दबाव पड़ता है हमारे जो लंबर वर्डिब्राज है जो कि पांच होते हैं अगर उन दो वर्डिब्रा के बीच में स्पेस कम हो जाए तो वहां दबाव पड़ेगा और वो जो शैटिक नव है वो दबेगी और उसका रेडिएट पेन होगा वो वो जो नर्व जहां से शुरू होती है हिप, हिप के पीछे से वहां से लेके पैर के तलवे तक भयंकर दर्द होता है इसी तरह से लंबर लंबर का मतलब है जो हमारे नीचे बैक में लोवर बैक में जैसा मैंने कहा पांच वर्टिब्रा इस तरह के चेंजेस जब वहां आते हैं तो वहां पर जो है दर्द और मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन और काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसी तरह से मेटाबॉलिक आर्थराइटिस होती है ये तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो जी डीजेनरेटिव तरह की बोन है, इस तरह से जो आ, आ, मेटाबॉलिक आर्थराइटिस है वो है गाउट गाउट में क्या होता है जो गठियावाद जिसे हिंदी में बोलते हैं उसमें जो है हमारे यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में जो है फिर वो स्पेशली हमारे जो पैर का अंगूठा है वो सूजकर कर एकदम रेडनेस और इन्फ्लमेशन और वो इतना भयंकर दर्द होता है और स्पेशली मेल्स में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है कि अगर अगर चादर भी उस अंगूठे के ऊपर से पास होती है तो तब भी वो एकदम व्यक्ति की चीख इतना भयंकर दर्द होता है इसी तरह से हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है जो आ, उस उसका जब हमारा इम्बैलेंस हो जाता है तो वो रिमिटेड आर्थराइटिस होती है जिसमें कि हमारे स्वयं के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारे शरीर के प्रति हमारी डिफेंस ना करके हमारे खुद के ही बॉडी के जो है सिस्टम को अटैक करने लगती है और इस तरह से बहुत सारी हैं लेकिन हम सभी उस तरफ नहीं जाएंगे मेजरली जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस या गाउट या रूमेटाइड आर्थराइटिस और ये सारे हैं इनके का इनके जो सिम्टम्स हैं आप लोग सभी जानते हैं जब ये इन जोड़ों में इंफ्लेमेशन होती है स्टिफनेस बढ़ जाती है यानी कि हमारे जो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी जो इलास्टिसिटी है वो प्लास्टिक हो जाती है तो ये जोड़ों में जो है जकड़न अकड़न और मूवमेंट में दिक्कत और जब व्यक्ति के मूवमेंट में दिक्कत होती है तो वहां उनका जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होने से पाचन स्थल जो है वो शिथिल हो जाता है तो धीरे-धीरे इस तरह के जो जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोग हैं, उनका जो है भूख कम होने लग जाती है उनका धीरे धीरे जो है जब भूख कम होने लग जाती है तो उनका हेमोग्लोबिन वो धीरे धीरे कम होने लगता है उनको एनीमिया होने लगता है और कई बार तो दर्द इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो जब तक वो दर्द रहता है तब तक व्यक्ति को बुखार रहता है तो दर्द से हमें सबसे पहले उन्हें छुटकारा दिलाना होता है अब ये हमारे अलग अलग symptoms, अब इनके जो कारण है वो हम हम सभी जानते हैं कि ये सारे जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है कि हमारे जो रहन सहन का खान पीन का हमारे एनवायरमेंट का हेरिडिटी का ऐसे ये सारे फैक्टर्स मिलकर सबसे बड़ी बात जो आजकल का स्ट्रेस का माहौल है जो मानसिक तनाव है और हमारा जो ऑफिस में लगातार कंप्यूटर का युग है तो हमारा जो कार्य है मेजरली हमारा कंप्यूटर पर बैठ कर है तो उससे जो हमारा जो लगातार गर्दन की इस तरह से झुकावट जो होती है तो वो कॉन्टिन्यूसली हमारे जो है सर्वाइकल एरिया को अफेक्ट करती है और कॉन्टिन्यूसली बैठे रहने से एक अवस्था में हमारा जो कमर यानी कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है आ, वहां पर चेंजेस आने लगते हैं और धीरे धीरे लैक की वजह से यदि हम एक्सरसाइज नहीं करते मूवमेंट नहीं करते देखिए हड्डी की प्रकृति होती है अगर 45 दिन तक आप हड्डी को नहीं छेड़ेंगे तो वहां पर वो जुड़ जाती है और देखिए यही प्रिंसिपल तो हम फ्रैक्चर को जोड़ने में करते हैं डॉक्टर क्या करता है हड्डी टूटती है तो दो हड्डी के पीसेस को वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते वहां पर प्लास्टर का पर्पज ही यही होता है कि वहां मूवमेंट ना हो और धीरे धीरे पहले वहां काटलेज बनता है और फिर वहां हड्डी बन जाती है इसी प्रकार से यदि हम अपने जोड़ों को जहां भी जोड़ों को हम मूवमेंट नहीं देंगे वहां पर वो जुड़ जाएंगी वहां पर वो स्टिफनेस आ जाएगी वहां कंजेशन हो जाएगा वहां फ्री फ्लो ऑफ ब्लड नहीं जाएगा न्यूट्रिय नहीं जाएंगे वहां पर इंफ्लमेशन uh, कंजेशन और फिर धीरे धीरे हमारा जो है पेन बढ़ने लगेगा और हम उसके चलते दर्द के चलते चिंता से मानसिक तनाव से व्यक्ति जो है अनिद्रा का शिकार हो जाता है उसकी रातों की नींद उड़ जाती है दर्द के चलते तो इस प्रकार से और फिर सही वातावरण सही जलवायु में अगर हम नहीं रहते सही खुली हवा में सांस नहीं लेते देखिए जिन्हें सांस की बीमारी होगी उनको जोड़ों की भी अवश्य ही बीमारी कालंतर में हो जाती है तो इसीलिए भी एक बहुत बड़ा कारण है और साथ साथ हमारे भोजन का, भोजन का का बहुत बड़ा महत्व है सही मात्रा में अगर हमारे कैल्शियम फास्फोरस विटामिन डी जो हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं अगर हमें वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते तो धीरे धीरे जो है Uh, में जेनरेशन होने लगता है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब कुछ गाइडलाइंस uh, मैं आपके सामने लेके आई भोजन में देखिए यदि हमें कुछ भोजन में सुधार करने होंगे जिनसे के हम बहुत ही हमने ये पाया है कि हमने अगर भोजन सुधार एक महीना कई रोगियों में तीन महीने भोजन सुधार किया तो उनका धीरे धीरे जो है उनकी इन्फ्लेमेशन, उनकी स्टिफनेस उनका पेन और याद रखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी एक जो उपाय है वो केवल एक उपाय करने से ही आप रोग से मुक्ति नहीं पा सकते आपको भोजन का ध्यान रखना है भोजन के साथ साथ आपको अपने जो है एक्सरसाइज व्यायाम और योग अभ्यास प्राणायाम और इन सब को भी अवश्य करना है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने मानसिक तनाव को मेडिटेशन इन सब के द्वारा जब इनका सबका मिला जुला समीक्षण होगा तब जाके आप धीरे धीरे बिल्कुल ही अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और यकीन मानिए कि आपको लगेगा कि आपको कभी शायद जोड़ों का वो दर्द था ही नहीं मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ 2002 में मुझे तकलीफ एक दिन अचानक हुई तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बिगनिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है मैंने योग और डाइटरी करते हुए बरसों अब आज कितने साल हो गए हैं आ, मुझे जो है उसके बाद मैंने कभी मेडिसिन नहीं ली और कभी मुझे आज की डेट में अपने दिनचर्या में कभी महसूस नहीं होता कि कभी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम थी क्योंकि आपको लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाने हैं तो आज जो बदलाव जिन बदलावों के बारे में मैं बात करने वाली हूं वो है भोजन में किन किन चीजों पर आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले भोजन में जो है यदि आपके जोड़ों में दर्द है नंबर वन और आपका वजन ज्यादा है तो जब तक आप वजन नहीं घटाएंगे तब तक आपके जोड़ों का दर्द ठीक नहीं हो सकता ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है तो डाइट कैसी लेनी है डाइट ऐसी करना है कि सबसे पहले आपका भोजन क्रम ऐसा हो कि वो धीरे धीरे आपका जो है वजन घटना शुरू हो जब जोड़ों पर प्रेशर और उन पर भार कम होगा तो धीरे धीरे उनके ऊपर जो है वो सुधार आना शुरू हो जाएगा और आपको धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा भोजन के क्रम में जो वजन घटाने के लिए सिंपल सी बात है कि आप दिन में तीन बार रोटी खाते हैं नाश्ते में लंच में डिनर में हमें क्या करना है धीरे धीरे अन्न की मात्रा अगर आप तीन बार अन्न खाते हैं तो उसको दो बार कर दीजिए देखिए कोई भी रोग की सुधार में लाने के लिए उसके अंदर समय लगता है आपको एक तो पेशेंस रखनी होगी और अपनी श्रद्धा बनानी होगी कि जो भी हम कर रहे हैं इससे हमें धीरे धीरे निरंतर लाभ हो रहा है तो पहले आप एक बार का अन्न छोड़े उस समय पर आप जो है सूप और उबली हुई सब्जियां खाएं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो बार अगर अन्न खाती हूं तो मुझे क्या करना है कि दोपहर की रोटी सब्जी खाएं और रात को जो है सूप और उबली हुई सब्जी खाके रह जाए तो धीरे धीरे आपका कैलोरी जो है कम होगा वजन कम होगा और पौष्टिक और न्यूट्रिशन से भरे हुए प्राकृतिक फल और सब्जी इन सब का सेवन करना है दूसरी बात अच्छा उपवास के मैंने दो तीन तरीके आपको बताए हुए हैं जैसे एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ एक तो मैंने कहा कि आप अन्न की मात्रा घटा दीजिए दूसरी बात कि अगर आपने उपवास रखना उपवास आपको रखने की आदत डालनी चाहिए कि जैसे शनिवार की रात को आपने खाली नींबू पानी ले लिया रात को भोजन नहीं किया इतवार की सुबह आपने उठे सिर्फ हल्का फल इत्यादि बहुत हल्का नाश्ता किया और लंच में रोटी सब्जी न खाकर थोड़ा सा खिचड़ी इत्यादि खाली दलिया और साथ में सैलेड खा ली और रात को पपीता चीकू खरबूजा जो भी फल है आपने फलहार किया तो इस तरह से आप जो है उपवास का क्रम ये भी कर सकते हैं और इस तरह से करने से भी और पन, एक महीना डेढ़ महीना दो महीने में एक बार जैसी आपकी श्रद्धा हो एक दिन आप केवल जल पर उपवास करें अब यहाँ पर डायबिटीज और कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जो नहीं रह सकते उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ जिनको जिनकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं चल रही है या कुछ ऐसा खाने की जरूरत नहीं है बाकी लोग रख सकते हैं तो वो एक दिन जल उपवास करें और एक दिन जल उपवास करने के अगले दिन भी फलहार करें हल्का भोजन करें एकदम से रोटी पर ना आए और फिर धीरे धीरे एक समय का रोटी अन्न और फिर इस तरह से सामान्य भोजन पे आए तो ये ये बहुत सारे तरीके हैं आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपनी सुविधा के हिना से आप अपना सकते हैं अब जो आर्थराइटिस या जॉइंट्स के प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं उनके डाइट प्लान एक और भी मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ कि आप नाश्ते में जो लोग दा, नॉन डायबिटिक हैं उनके लिए देखिए फल तो सबको खाने हैं चाहे वो डायबिटिक है चाहे नॉन डायबिटिक है सब लोग ले सकते हैं लेकिन जो डायबिटिक हैं वो ये किशमिश मुनक्के जो मैं बता रही हूँ वो नाले Uh, क्योंकि उससे शुगर कंटेंट बढ़ेगा अब जो लोग डायबिटिक नहीं है उन्हें क्या करना है नाश्ते में अपना वही तीन चार सौ ग्राम तो फल ले लिया उसके बाद आप जो है अपना सौ ग्राम खजूर लीजिए और पचास ग्राम मुनक्का और क्या कहते हैं या किशमिश और दो अंजीर उनको भिगोना है वॉश करके उसका पानी भी पीना है तो ये नियमित सेवन कीजिए क्योंकि शरीर में आपको जो है नमकीन चीजों से बचना है क्योंकि अगर आप सूप बनाएंगे तो उसमें आपको नमक डालना पड़ेगा तो ये फलहार का क्रम है कि जब आप फलहार करें तो आप नाश्ते में आप अपना फल करें और इस तरह से खजूर मुनक्का किशमिश अंजीर लें भरपूर लें जिससे आपके शरीर का जो है जो मल है वो निष्कासित हो और लंच में आप अपना वही भोजन रोटी सब्जी लें शाम को फिर वो जो है आप फ्रूट्स फु, ले सकते हैं और डिनर में वही वेजिटेबल सूप और उबली हुई सब्जी इस क्रम से बहुत ही बढ़िया तरीके से धीरे धीरे आपके जो इन्फ्लॉमेशन है वो कम होती जाएगी जो हमारे शरीर में सूजन पैदा करते हैं और स्टिफनेस uh, पैदा करते हैं ऐसे भोज्य पदार्थ हमें नहीं लेने हैं जैसे कि uh, मैदा प्रोडक्ट्स हैं एक्सेस शुगर है और सॉल्ट है याद रखिए अगर जोड़ों में सूजन है तो तुरंत नमक बंद कर दीजिए अगर आप बिना नमक के खाना कुछ दिन खाएंगे तो सूजन आपकी बड़ी तेजी से कम होगी क्योंकि सोडियम की जो नमक की एक विशेषता होती है कि जहां जहां सोडियम जाता है वो वाटर को होल्ड करता है तो आपके जोड़ों में अगर सूजन है और तो आपको बिना नमक का खाना कुछ दिन अवश्य खाना चाहिए आपको तुरंत उसका जो चेंज है आपके दर्द में इन्फ्लेमेशन में स्टिफनेस में आपको महसूस होगा और दूसरी बात आपके जो भोजन में जो जंक फूड है बाजार के पैकेज गुड्स हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर है दे आर स्ट्रिक्टली आर नो नो बिकॉज ये बॉडी के अंदर जाकर वहां की इन्फ्लोमेशन और स्टिफनेस बढ़ाते हैं तो इन भोज्य पदार्थों से प्लीज दूर रहें अब हमारे जो क्या कहते हैं शरीर में जब जॉइंट पेन होते हैं तो उसका ये दर्शाता है कि हमारे भीतर जो विकार हैं जो टॉक्सिन्स हैं जो फ्री रेडिकल्स हैं बहुत मात्रा में जमावट हो गई है तो हमें भोजन किस प्रकार का करना है एलिमिनेटिव डाइट लेनी है यानी कि शोधक डाइट लेनी है जो कि हमारे शरीर में से वो टॉक्सिन्स को फ्री रेडिकल्स को निकाल सके तो हमारे भोजन में जिसे कहते हैं कि संतरा और पाइनेप्पल चकोतरा चकोतरा यानी ग्रेप फ्रूट ये चारों के चारों जो है ये आपके जोड़ों के दर्द के दुश्मन है यहां मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कई लोगों को हो सकता है किसी नींबू से या उनको सूट ना करता हो तो वो दूसरा फ्रूट ऑप्ट कर सकते हैं मीठा कर सकते हैं जिन लोगों को एसिडिटी है वो खट्टा फल ना ले पहले वो मीठे फल से शुरुआत करें बाद में सिट्रस फ्रूट पर आए और जिन लोगों को जोड़ों का दर्द कई भोज्य पदार्थों से बढ़ जाता है तो ये आपको स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल आपको सूट कर रही है लेकिन इन जनरल जितने ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ये आपका जो है मल निष्कासन में बहुत तेजी से इसकी मदद करते हैं और देखिए ये जो फल हैं चाहे कोई भी प्रकार के हो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं क्योंकि जोड़ों के दर्द में एक व्यक्ति इतना थका हुआ महसूस करता है वो जरा से काम करने से थक जाता है और लेकिन जब हम इस डाइट पर आते हैं जो कि फलों द्वारा सिट्रस फ्रूट द्वारा तो हमारे अंदर भीतर जो है हमारे शक्ति शक्ति का तो संचार होता है मल निष्कासित भी होता है और पुष्टि हमारे शरीर को मिलती है और हमें स्फूर्ति मिलती है और इन प्राकृतिक फलों को सब्जियों को पचाने के लिए हमारे शरीर को भी ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता तो हमारी सारी जो ऊर्जा है जो जीवनी शक्ति है वो हमारी हीलिंग में लग जाती है हमारे शरीर को रिपेयर करने में लग जाती है तो इसलिए इन सब का बहुत लाभ है अगली जो है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस लोगों को होती है जो कि हमारी जो बोन की डेंसिटी कम हो जाती है तो ऐसे रोगों में आपको भरपूर कैल्शियम लेना है कैल्शियम लेने के लिए आप जो है जो दालें हैं दालों में भी कैल्शियम है प्रोटीन है लेकिन दालों को किस फॉर्म में लेना है स्प्राउट करके लेना है ताकि उसमें जो है हमारे भीतर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें मिले और एक जो रागी है ये भी मिलेट एक प्रकार का है जो कि हमारे को कैल्शियम की बहुतायत में मात्रा देता है तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट एक आम एवरेज व्यक्ति की 300 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम हमारे को डेली चाहिए होता है अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ रागी का आटा जैसे 100 ग्राम आटे का सेवन डेली करें तो हमारी 300 सौ मिलीग्राम की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है एक चपाती 35 ग्राम के लगभग होती है तो अगर आपने तीन चार चपाती भी अगर खा ली दो सुबह दो लंच में और दो डिनर में और बॉइल्ड वेजिटेबल के साथ कुछ दिन लगातार खाएंगे तो आपकी डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट जो है इस तरह से आपकी पूरी हो सकती है और एक तरीका है रागी के सेवन करने का आप रागी मिल्क बना सकते हैं रागी मिल्क में क्या करना है पचास आपको जो है ग्राम रागी लेनी है और उसको पांच छह घंटे भिगोना है कई बार इंस्टेंट भी एक घंटे में भी हम रागी मिल्क बना सकते हैं लेकिन ज्यादा घंटे अगर भिगा होता है तो ये पाया गया तो ज्यादा क्रीमी और मिल्क बनता है तो आपको भिगोना है रागी उसके बाद उसको जो है स्ट्रेन करके पानी और फिर उसको मिक्सी में आपको ब्लेंड करना है पानी डाल के उसमें आप आवश्यकता अनुसार अपना गुड़ डाल सकते हैं उसको आप मीठा बनाना चाहते हैं या ऐसे ही आप आ, फ्रेश जो है इस तरह से आप ड्रिंक बनाइए ये दो ग्लास के लिए मैं बता रही हूँ जो फिफ्टी ग्राम्स मैंने रागी बोली है इससे आपका दो ग्लास रागी मिल्क तैयार होगा तो इस तरह से आप रोटी के अगर रागी का आटा ले सकते हैं उसकी चपाती बना सकते हैं या इस तरह से आप अपना जो है कैल्शियम की भरपाई कर सकते हैं इसके अलावा जो आ, कार्टिलेज जब हमारे जोड़ों की ऑस्टियोआर्थराइटिस में यही कहा जाता है कि हमारे जो दो जॉइंट्स के बीच में एक जो कुशनिंग इफेक्ट होता है जो कि कार्टिलेज होती है उसको वो जब घिस जाती है तो उस कार्टलेज को रिपेयर करने के लिए ऐसे कौन सा भोजन है जैसे कि हमें विटामिन सी से भरपूर जैसे मैंने सिट्रस फ्रूट ये जो जितने भी विटामिन सी रिच फूड होते हैं ये कोलेजन बनाने में आपके कार्टलेज रिपेयर करने में बहुत कारगर होते हैं इसकी कैटेगरी में जहाँ सारे सिट्रस फ्रूट जो मैंने बताया मौसमी संतरा चकोतरा पाइनएप्पल ये तो है ही साथ साथ आप अगर टमाटर है और नींबू है बेरीज है और मेलन्स है कीवी है ये सारे के सारे फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा सेवन से करें तो आपका जो कॉलेजन है जो कार्टिलेज है वो जो है रिपेयर होगा और एक और क्या कहते हैं आ, हमारे जोड़ों के लिब्रिकेशन के लिए अः ओमेगा थ्री फैटी हमें जो है अः फ्लेक्सीड स्मूदी में बताती हूँ कि अगर आप दो चम्मच आधा घंटा भी अगर फ्लैक्सीड ले उसमें भरपूर ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे भीतर जो ज्वाइंट्स की लिब्रिकेशन के लिए बहुत ही कारगर और बहुत पेन रिलीफ देते हैं तो इसको पीने का भी तरीका यही है आप केवल आधा घंटा दो चम्मच फ्लैक्सीड भिगोइए पानी को इसमें ड्रेन करने की जरूरत नहीं है मिक्सी में डालिए इसके साथ आप कोई अपना फल भी डाल सकते हैं और नहीं तो पानी डाल के गुड़ और नींबू डाल के बहुत ही टेस्टी ड्रिंक बनता है आप इसको बना के आप अपने डेली जीवन में इसको इनकलकेट करें ताकि आपके जो है बॉडी के जो बॉडी के जॉइंट्स हैं जो, जो, है, जो वियर एंड टीयर के कारण उनको रिपेयर की जरूरत है तो उनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके और धीरे धीरे उनकी इन्फ्लेमेशन कम कर हो सके एक गामा एसिड एक प्रकार का जो फैट है वो हमारे ब्लैक करेंट मुनक्का और इट हैज अ वेरी गुड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी तो इसका सेवन जैसा कि मैंने बताया 50 ग्राम डेली जो लोग डायबिटिक नहीं है और 100 ग्राम खजूर ये अपनी रूटीन में आप ले आइए नमक को बिल्कुल निकाल दीजिए कुछ दिन फलहार कीजिए तो आप पाएंगे कि आपके दर्दों में डेफिनेटली चेंज आएगा अब हमारी जो आर्थराइटिस आर्थराइटिस है जो ऑटो इम्यून सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है हमारी इम्यूनिटी के लिए उस इम्यूनिटी को करेक्ट करने के लिए हम जो है स्प्राउटेड वीट ले सकते हैं स्प्राउटेड वीट में आप अंकुरित गेहूं जिसे मैं बोलते हैं उसको जो खाने का तरीका है आप उसको भी आप अंकुरित जैसे अन्य वगैरह हम अंकुरित करते हैं ऐसे गेहूं को अंकुरित करके हम खा सकते हैं मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी पाया और मैं ये समझती हूँ कि उसको चबाने में बहुत कष्ट मतलब एक तरह से बहुत डिफिकल्ट टास्क है अपने आप में तो उसका एक और उपाय है कि आप उसको स्प्राउटेड वीट की भी आप जो है उसमें पानी डाल के मिक्सी में ब्लेंड करके उसका बहुत अच्छा सा आप वो जूस बना सकते हैं तो उस तरह से आपको ज्यादा कठिनाई भी नहीं होगी और वो एंजाइम्स आपके जो डिस्टर्ब इम्यूनिटी है स्पेशली फॉर द तो वो करेक्ट होने में बहुत लाभकारी होगी और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे शरीर में जब हमारे हमारे जो अम्लीयता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है बढ़ जाती है क्योंकि हमारे खून का जो प्रकृति है जो नेचुरल स्टेट है वो है एल्कलाइन द पी एच वैल्यू ऑफ ब्लड इज सेवन पॉइंट फोर विच इज स्लाइटली एल्कलाइन तो भोजन भी हमारा इस तरह से होना चाहिए जो एट्टी परसेंट एल्कलाइन हो और ट्वेंटी परसेंट एसिडिक हो एल्कलाइन डाइट का मतलब है ऑल द नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो नेचुरल रॉ फॉर्म में हम लेते हैं और उससे हमारे जो पीएच वैल्यू है ब्लड की वो बरकरार रहती है तो जब ये पीएच वैल्यू डिस्टर्ब होती है बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग लाइ लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी हैबिट्स तो उस एसिड डोसेस को अम्लीयता को शारीयता में बदलने के लिए बहुत ने, नेचर ने हमें पोटेशियम सोडियम रिच फूड्स दिए हैं जैसे कि वाइट पेठे का जूस हमें पीना चाहिए जो कि पेठा यानी कि वो पेठा जिससे मिठाई बनती है बाहर से हरा और अंदर से सफेद होता है उसके बीज निकाल के आप छोटा सा टुकड़ा उसको मिक्सी में डाल के और उसमें आधा एक ग्लास पानी डाल के और उसका एक शेक सा बना दीजिए अगर आप आपको उसको छान के आप बड़े आराम से उसका जूस पी सकते हैं और इसी तरह से धनिये का जूस हरा धनिया जैसे मैंने ग्रीन जूस अपनी डाइट में मैं हमेशा बताती हूँ ग्रीन जूस यानी के हैंडफुल ऑफ धनिया, अ हैंडफुल ऑफ पुदीना दस कड़ी पत्ता लीजिए मिक्सी uh, में डालिए उसमें पानी डाल के ब्लेंड करिए तो ये जो है आपके शरीर के जो कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा जोड़ों में जो ऑस्टियोफाइट्स हैं, उनको रिमूव करेगा इसी तरह से हाईली एल्कलाइन खीरे का जूस है उसका सेवन कीजिए तो आपके जो बॉडी की अम्लीयता है वो धीरे धीरे खत्म होगी और धीरे धीरे शारीता बढ़ेगी इनफ्लमेशन दूर होगी जोड़ों की स्टिफनेस दूर होगी और आपको पेन रिलीफ मिलेगा और आप जो है अपना काम अपनी मूवमेंट बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे एक और जो भोज्य पदार्थ है बहुत ही पोर्टेंट एल्फा एल्फा मतलब इट इज द मोस्ट डिटॉक्सिफायर हमारे मतलब ये ऐसा आ, क्या कहते हैं सीड है जिस जो कि पहले जो है घोड़ों के भोजन में ये डाला जाता था लेकिन साइंस ने रिसर्च करके पाया कि इसके अंदर इट हैज लॉट ऑफ सॉल्यूबल विटामिन प्रोटीन क्लोरोफिल और इसको लेने का क्या तरीका है आप इसका जो है टी बना सकते हैं दो चम्मच आप सीड्स के पानी में बॉईल करके तब तक बॉईल करिए जब दो कप एक कप रह जाए तो उसको छान के आप लेमन हनी डाल के उसकी टी पी सकते हैं और अल्फा अल्फा को स्प्राउट्स कर सकते हैं तो इट इज अ ग्रेट फूड आइटम इसको जरूर अपनी डेली रूटीन में आप इनकलकेट करें और दूसरा है चकुंदर चकुंदर जो है ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसके भीतर ना केवल सोडियम बहुत मात्रा में है पोटेशियम और ये हमारे शरीर के जो एंटी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारे फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है कैल्शियम डिपॉजिट जॉइंट्स में उनको निष्कासित करने में मदद करता है एक और जो है मेथी के बीज का पानी Uh, अक्सर जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से uh, ये पाया जाता है सबसे बड़ा सोर्स तो देखिए हमारा uh, बात है uh, सूर्य डेली डोज ऑफ सनशाइन फॉर मिनट्स uh, प्रत्येक व्यक्ति को लेनी ही चाहिए विटामिन डी लेकिन कई बार डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कॉर्ड लिवर ऑयल कैप्सूल तो ये जो मेथी का पानी है ये आपके इसके अंदर वो सारी जो अः uh, डी की मात्रा है जो कि कॉड लिवर ऑयल में होती है तो आप इस पानी को आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं और आप इसका सेवन कीजिए और इसका आप लाभ उठा सकते हैं एक हल्दी सब लोग जानते हैं अब तो पूरे विश्व में टर्मरिक लैटे जो है वो अमेरिका में रहा है देगी तो इसका सेवन जरूर करें ज्यादा अच्छा है कच्ची हल्दी कच्ची हल्दी का सिंपल सेवन करने का तरीका के एक छोटा सा टुकड़ा जो है एक आपके नाखून भर तक का उसको आप चबा के अपनी मील से पहले दोनों टाइम मील से पहले आप चबा सकते हैं और अगर कच्ची हल्दी नहीं मिलती है कच्ची हल्दी एक तरह से और खा सकते हैं कि उसका जो है ग्रेट करके रात में पानी रख के उसको भिगो के सवेरे छान के पी सकते हैं और नहीं तो आप टर्मरिक पाउडर आप अपना ड्रिंक नींबू पानी में या किसी में भी डाल के आप फर्स्ट क्लास एक ड्रिंक बना सकते हैं और सैफरन सैफरन अगेन फॉर रूमैटिक्स जो आर्थराइटिस के पेशेंट है इज वेरी गुड फॉर देम जस्ट पॉइंट टू बी डिजोल्व इन एक कप पानी में उसको हल्का गर्म गर्म पानी रात को सोते समय आप बिल्कुल पीजिए और इसका सेवन करेंगे एंड इट हैज अ ट्रमेंडस बेनिफिट इन द रिमैटिक्स एंड ऑल अदर प्रॉब्लम और अगर गाउट की समस्या है गाउट जैसा कि मैंने बताया इट इज ड्यू टू दूरिक एसिड इन द बॉडी तो हंड्रेड ग्राम्स ऑफ चेरीज अ डे कीप यउट अवे और uh, इसमें एक और चीज के आलू का जूस आलू का जूस बहुत तेजी से जो यूरिक uh, एसिड का निष्कासन करता है उसको पीना कैसे है आप एक मीडियम साइज आलू को कद्दूकस कर सकते हैं वॉश करके रात को उसको एक कप पानी में सोक कीजिए सुबह उसको छान के पीजिए एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इसी तरह से सभी आपको ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों का सेवन करना है यानी के प्राकृतिक फलों में सब्जियों में और कुक्ड वेजिटेबल्स ताकि उसमें घी तेल नहीं हो स्टीम्ड वेजिटेबल्स थोड़ा सा अन्न में कभी और जितने अः इन्फ्लमेशन बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, चीनी है नमक है मैदा है और डिब्बा बन चीजें हैं पैक्ड गुड्स है, है रेडीमेड रिफाइंड आटे हैं रिफाइंड ऑयल्स हैं और कोशिश कीजिए ये अपने लाइफ से पैकेज गुड्स को बाहर फेंकिए और प्राकृतिक भोजन को अपने किचन में लाइए और ज्यादा से ज्यादा उनका सेवन करें तो इन्हीं के साथ बहुत सारी चॉइसेस आपको दे दी है मैंने और इतने इन सब का सेवन करें और अपने दर्दों से स्टिफनेस से इनफ्लमेशन से uh get your uh, life back on your feet and with these words uh thank you all uh, uh, now uh, any questions if uh, you want to ask, please go ahead